नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज तीसरा दिन है। हम आपको इस वीडियो में अभी तक के घटनाक्रम की जानकारी देंगे। गुरुवार का दिन रूस के हमले का पहला दिन था, जिस दिन सुबह यूक्रेन के कई शहरों में धमाकों की खबर आई। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की गई। यूक्रेन ने भी अपने बयान में कह दिया था कि वो झुकेगा नहीं और डटकर मुकाबला करेगा। साथ ही यूक्रेन ने लड़ने में सक्षम अपने नागरिकों से हथियार उठाने की अपील की थी। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार रूस अपने हमले में यूक्रेन के समूचे सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। साथ ही रूसी सेना सभी संभव दिशाओं से यूक्रेन में घुस रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया था कि यूक्रेन ने अपने क्षेत्र पर रूसी हमले के बाद रूस के साथ सभी तरह के कूटनीतिक रिश्तों को तोड़ दिया है। यूक्रेन पर सैनिक कार्रवाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से गुरुवार को बात की थी। शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन राजधानी कीव में घुस गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन ने रूस की राष्ट्रीय एयरलाइंस एरोफ्लो को ब्रिटेन में लैंड करने पर रोक लगा दी। इसके बदले में रूस ने भी ब्रिटिश विमानों में रूस के हवाई क्षेत्र में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। ताइवान ने भी रूसी हमलों की निंदा की है, साथ ही कहा है कि वो रूस पर प्रतिबंध को लेकर अमेरिका, यूरोपीय संघ और बाकी समान विचारधारा वाले देशों के साथ खड़ा है। खबरों के मुताबिक रूसी हवाई हमलों में कीव की घनी आबादी वाला इलाका पोज़्नेक रात भर प्रभावित रहा। यहां करीब 8 लोग जख्मी हुए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कहा है कि यूक्रेन पर सैनिक कार्रवाई का उद्देश्य यूक्रेन के लोगों को दमन से मुक्त कराना है, ताकि यूक्रेन के लोग अपना भविष्य निर्धारित कर सकें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं पर रूस के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर यूरोपीय नेता तेजी से कदम उठाते हैं तो रूसी हमले को रोकने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हालांकि बाद में रूस और यूक्रेन ने बातचीत के लिए सहमति जताई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस बेलारूस की राजधानी मिंस्क में यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेटस घोषित करने को लेकर होगी। साथ ही उसे सेना को भी कम करना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध विराम और तुरंत शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। आगे का घटनाक्रम कुछ ही देर में। बने रहे सी लॉर्ड न्यूज के साथ।